के मिस्टर क्रेटोस नॉक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और प्रतीक का पॉइंट ऑफ व्यू लूं मैं तो अभी थोड़ी लूट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्रेटोस को देखते हैं कि किस तरीके से रिवाइवल दे पाते हैं प्रतीक, अभी हीलिंग लगाते हो, बैंडेज लगाते हो जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन क्रेटोस को रिवाइव देना बहुत क्रूशल और बहुत ही ज्यादा मुश्किल होते हुए नजर आएगा, और क्रेटोस को फिनिश भी कर दिया जाएगा। अब टीम नंबर 4 और टीम नंबर 7 किस तरीके से, टीम नंबर 17 के शॉट को एक बेहतरीन नेट से नॉक कर दिया गया, अब जरूर एक पुश दिखाई देगा टीम नंबर 15 की तरफ से। टीम नंबर 15 के स्काई अब यहाँ पुश करते हुए नजर आएंगे, और काउंटर नॉक सैंडी सर की तरफ से दिखाई देगा, और सैंडी सर को भी रिटेलिएशन फाइन में नॉक कर दिया जाएगा। एज ऑफ नाउ बहुत ही क्योटिक सिचुएशन दिखाई दे रही है, और फिनिश करने जा रहे हैं सैंडी सर, अभी बस नॉक है, और 4MS का सिर्फ एक प्लेयर स्टैंडिंग नजर आ रहा है मुझे। और एज ऑफ नाउ टीम नंबर 17 के सैंडी सर को रिवाइवल की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन शॉट्स आते हुए नजर आ रहे हैं प्रतीक के ऊपर, एक स्मोक जरूर करना चाहेंगे और रिवाइवल फिर से स्टार्ट करना चाहेंगे, देखते हैं कि ये रिवाइवल हो पाता नहीं। मीनवाइल ज्यूस के प्लेयर्स भी प्रतीक के ऊपर आने की कोशिश करेंगे। टीम नंबर 4, टीम नंबर 7 और टीम नंबर 17, तीन टीम्स अभी हमें नजर आ रही पोचिंग की पे, और यहाँ पे तीनों टीम्स को कोई ना कोई लॉस जरूर होते हुए नजर आ रहा है। एज ऑफ नाउ टीम नंबर 4 के ज्यूस के जॉल बहुत ज्यादा अकेले नजर आ रहे हैं मुझे, इनके पास इनके टीममेट अभी तो नहीं नजर आ रहे, एक नेट जरूर कुक करते हुए नजर आ रहे हैं प्रतीक के ओर, शायद ये नेट, ओ बहुत ही ज्यादा अच्छा नेट नजर आ रहा है, अब डेफिनेटली जॉल को पुश करना चाहिए, एक और नेट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में पुश जरूर करना चाहिए था, और ये पुश नजर आता हुआ उसके जॉल की तरफ से और नॉक हो जाएंगे, लेकिन पीछे से कवर फायर में बहुत ही एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ टीम ज्यूस की तरफ से, और टीम एक्सो भी एक फाइट में क्लैश देखने को मिलता हुआ हमारे हमें, और अभी तो डेड आइज गाइस एक अपर हैंड पे नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा अपर हैंड पे है। यप डेफिनेटली आईसी के ऊपर यहाँ पर अब नेड करने की कोशिश, एंग्री बॉक्स की तरफ से थोड़ा सा बाउंस बैक होगा वो नेड, अंदर वाली दीवार से लग के बाहर की तरफ वो नेड, बट अगेन एंड अगेन दीज नेड्स आर बीइंग थ्रोन इन बाय द प्लेयर्स ऑफ टीम डेड आइज गाइस। ये नेड्स का इस्तेमाल काफी अच्छी तरीके से किया जा रहा है, बट आईसी शिफू सर के ओवर अग्रेशन को पनिश करते हुए काफी अच्छी तरीके से बिना बैकअप के शिफू सर यहाँ पर अग्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, एंड नाउ आईसी विद अ काउंटर नेड ट्राइंग टू स्टॉप दोस पुशेस, बट ये नॉक एक बार फिर से आईसी की तरफ से निकलता वास्तु योग के ऊपर, बट उनके टीममेट सी ऑलराइट यहाँ पर हंगरी बॉक्स पूरी तरीके से चार्जिंग करेंगे, हंगरी बॉक्स एक और पिक निकालेंगे, नाउ इन अ वन वर्सेस वन, गॉडलेस और शिफू सर शॉट्स एक्सचेंज करते हुए, दोनों के दोनों प्लेयर्स बहुत ज्यादा लो, फर्स्ट एड यहाँ पर प्रायोरिटी रहने वाली है, एंड दोनों के दोनों प्लेयर्स एक साथ इस फर्स्ट एड का इस्तेमाल करते हुए, नाउ गॉडलेस हैज दैट यूएमपी 45 फॉर द क्लोज रेंज एनकाउंटर्स, एक एसएमजी डेफिनेटली कम्स अप अ लिटिल बिट मोर इम्प्रूव्ड अपॉन इन दीज क्लोज रेंज सिनेरियोस, बट लेट्स सी क्या यहाँ पर ये पिक निकाली जा सकती है। हंगरी बॉक्स ने समय का इस्तेमाल करके एक प्लेयर को भी रिवाइव कर लिया है, सो नाउ इट इज गोइंग टू बी अ 2-1 सिनेरियो, द हंगरी बॉक्स इज लो, गॉडलेस वो नॉक निकालेंगे, पीछे अभी तक फर्स्ट एड सुयोग सर ने लगाई नहीं है अपने लिए, तो गॉडलेस विल डेफिनेटली कंफर्म अ किल फॉर हिज टीम, बट नाउ सुयोग सर इन अ डिफरेंट कंपाउंड इन अ 1-1 विद द प्लेयर्स ऑफ टीम ज्यूस, एंड पीछे से 2A के प्लेयर्स भी हमें धीमे धीमे आते हुए नजर आ रहे हैं, सो यहाँ पर जो भी प्लेयर ये फाइट जीतेगा he has to be ready for the third party coming in from the players of E2A, fully boosted rehna cha rahe godless apne liye, dusri taraf agar baat kari jaye yahan par team dead eyes guys ke player ki, to shifu sir is also going to be boosted to that 100% hp, dono ke dono players ke paas ab yahan par kuch bhi khone ke liye hai nahi, and paane ke liye sari cheeze hai, but godless bahut hi pyara nade, godless with that nade eliminates dead eyes guys, dekhne ko mil raha hai jo ki south western hai, और लगभग सब टीम जोन के अंदर प्रवेश करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो सेंटर कमिट कर रही डी डेड आइज गाइस के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने लिए, एक चिकन डिनर निकालने के लिए, और यहाँ पे 2A के प्लेयर्स अभी तक कोचिंग की फाइट कम होने का नाम ही नहीं ले रही, और ज्यूस को स्पॉट करा जाएगा, ओ बहुत ही बढ़िया एक नॉक और इंस्टेंटली फिनिश किया ज्यूस के प्लेयर्स ने, और यहाँ पे अब एक कैजुअलिटी जरूर दे दी गई है 2A के प्लेयर्स के द्वारा, अब यहाँ पे एक नेट कुक करें ज्यूस के प्लेयर्स के लिए, और क्या ये नेट एक प्रोडक्टिव आउटकम निकाल पाएगा ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। नेट कुक तो कर रहे हैं, लेकिन फिर इन्होंने नेट को अंदर रख लिया,
आई डोंट नो व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू बट फेयर इनफ. अभी तक ज़ियूस के प्लेयर अभी तक रूफटॉप में हम नजर आ रहे हैं मुझे ज़ोल, और अब ही इज गोना टेक दैट फाइट. और यहां पे नीचे कूदे जरूर जरूर साउंड आया होगा, एफपीपी पे स्विच किया है अपने एम पे, इतना भरोसा है साउंड सेंस पे खेलना चाह रहे हैं. और यहाँ पे एक नेट हल्का सा बिल्कुल माइनस से डैमेज देगा, और ये फाइट देखना होगा कि कौन सी टीम लेके जाते. 7 kills है ज़ियूस के पास, अगर 11 number एग्जिट तो नहीं लेना चाहेंगे मेरे हिसाब से, तो कोई भी टीम को यहाँ से अगर डिसएंगेज करना चाहते हैं तो डेट वुड बी ए बेटर ऑप्शन. बट नेवरदलेस क्योंकि एक किल भी आप अर्ज जीतते हैं तो बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होगा. और यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया ने टीम नंबर 15 के तरफ से, और यहाँ पे पूछेंगे कि फाइट्स को एक एंड देते हुए नजर आ रहे हैं क्या. नेवरदलेस यहाँ पे हर प्लेयर के पास एक कैपेबिलिटी जरूर है. आईपी के 2AK Sky जो कि बहुत देर से अकेले खेल रहे थे, 5 kills निकाल चुके हैं, एक नॉक निकाला हुआ है आईबी पे, एक हाइट हाउस ग्रेनेड ले रहे हैं, और शायद टीम नंबर 8 के एक प्लेयर के ऊपर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई डैमेज डील नहीं हुआ एज ऑफ नाउ. और ये बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो लेता है, अगर 2A ये चिकन डिनर निकाल पाती है तो आई विल बी प्रीटी इंप्रेस. अब देखना ये होगा कि ये जोन किस तरफ शिफ्ट लेता है, अगर 2A के ऊपर शिफ्ट, 2A के स्काई के ऊपर शिफ्ट लेगा तो बहुत ज्यादा एक ड्रामेटिक सिचुएशन देखने को मिल सकती है. ये जोन शिफ्ट लेता होगा फिर से आई बी के ऊपर क्या लक है, और मतलब कैपिटलाइज भी उतने ही अच्छे से कर रहे हैं. स्काई शॉट लेते हुए लो ऑन हेल्थ, ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे. और यहाँ पे 4v1 का सिचुएशन, आईबी आईसी पे सामने, और टीम आईबी विद एन अमेजिंग अमेजिंग चिकन डिनर जो कि है